जहाँ पे ग्रीन एरो लगा हुआ है इट मीन्स आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं, और वो जो उस तरफ लगे हुए हैं वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। इसको ऐसे टच करेंगे, डोर खुल जाएगा और आपकी अंडरग्राउंड ट्रेन की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ये जनाब एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं जनाब, हम लोग 100 फीट नीचे जा रहे हैं, 100 फुट नीचे। इस तरफ भी एडवर्टाइजमेंट्स की स्क्रीन्स लगी हुई हैं। आजकल आपको पता है कि हर तरफ एक ही एडवर्टाइजमेंट हो रही जनाब के फेस कवर करें, तो सोशल डिस्टेंसिंग करें, फेस कवर करें, और साथ साथ लंदन अंडरग्राउंड जो ट्रेन है, ट्रेन से बल्कि ट्रेन नहीं ट्रेन्स की जो शहर है वो आप लोग इंजॉय करें। ये जनाब आप इमेजिन करें, आज से 160 साल पहले इन्होंने ये सोचा था। अब मेरी आवाज़ भी गूंज रही है यहाँ पे, हेलो। नॉर्दर्न लाइन तो पीछे ही रह गई, नॉर्दर्न लाइन की तरफ जा रहे हैं जनाब। और ये 160 साल पहले इनको ये आइडिया आया था। और हम लोग हमारे मुल्क में जनाब एक ऑरेंज लाइन नहीं बनने देते जनाब। नॉर्दर्न लाइन के प्लेटफॉर्म पे आगे खड़े हो गए, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, बस एक स्टॉप और रह गई और फिर मैं ये जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं इसमें से मैं बाहर निकलूंगा और मैं जा रहा हूँ वेस्टमिंस्टर ब्रिज की तरफ। हम लोग जा रहे हैं साउथ की तरफ, तो नॉर्दर्न लाइन आ गई जनाब। नॉर्दर्न लाइन में बैठे हुए और हमारे मुल्क में एक ऑरेंज लाइन बनी है इतने सालों बाद। यहाँ पे 160 साल पहले इन्होंने 11 लाइंस बना दी, पूरा एक जाल बिछा दिया अंडरग्राउंड ट्रेन्स का। तो पता नहीं हमारे लोग जो है तो कब प्लानिंग करेंगे, कब फ्यूचर का सोचेंगे, कब आने वाली नस्लों का सोचेंगे। बस लाइक है क्या, मैं खुद भी नहीं सोच रहा, तो पता नहीं कौन सोचेगा। एक ट्रेन लाइन जो आप लोगों को बहुत याद रहेगी वो कौन सी है, वो है पिकेडिली लाइन। वो इसलिए कि पिकेडिली लाइन जनाब सीधा जाती है हीथरो टर्मिनल 1, 2, 3 और 4। पिकेडिली लाइन हम परदेशियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि जब भी हम पिकेडिली लाइन में बैठते हैं अपने लगेज के साथ तो हमें पता होता है कि हम लोग जा रहे हैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान। तो पिकेडिली लाइन एक ऐसी लाइन है इस 11 लाइन में से कि वो हम सबको याद रह जाएगी। अभी आप लोगों को पिकेडिली लाइन लेके चलता हूँ और वहाँ आप लोगों को बताता हूँ कि पिकेडिली लाइन में क्या हो रहा है। This is a Piccadilly line service to Heathrow terminals 1, 2, 3 and 5. So this Piccadilly line is very important for us Pardesi people here living in London. I'll show you, look, that is Heathrow terminal. It's in zone 6, it's very far away. Carry on watching and I'll show you more station, more trains and I hope you're enjoying the video. 11 लाइन्स हैं, ये सारी आपस में कनेक्ट होती है अंडरग्राउंड ही, तो आपको स्टेशन से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। आप अंडरग्राउंड ही जो था प्लेटफॉर्म क्रॉस करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके दूसरी जो लाइन है विक्टोरिया लाइन, नॉर्दर्न लाइन, जो लाइन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं कौन सी लाइन कहाँ जा रही है तो डोंट वरी, हर स्टेशन पर मैप लगाओ, वो आपको मैप दिखाते हैं। यह जनाब हर स्टेशन पर लंदन अंडरग्राउंड जो ट्रेन हैं उसका फुल मैप लगा हुआ है। अब यहाँ से तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी है, वो इसलिए कि यहाँ पे साइड पे इन्होंने जो जितनी भी लाइंस चलती हैं अंडरग्राउंड उन सब के नाम और उनके कलर्स बनाए हुए साथ आ रहे हैं। 6 जोन में डिवाइड किया हुआ है, जोन 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जोन 1 का एरिया इसलिए छोटा रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है टूरिस्ट अट्रैक्शन वो सब यहाँ पे जोन 1 में। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट यहाँ पे है, बकिंगम पैलेस भी यहाँ पे, पिकेडिली सर्कस भी यहाँ पे। जोन 1 को छोटा इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पे अगर आना है तो इसके पैसे ज़्यादा हैं, यहाँ पे ट्रैवल पे पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे आपको। तो ये सारी लाइंस का जो कलर आप यहाँ देख सकते हैं वही कलर यहाँ पे सारी लाइंस का बनाया हुआ है कि कहाँ से लाइन चलती हैं और कहाँ जाके ख़त्म होती हैं। तो आपने जहाँ भी जाना है आप इस मैप को देखें, आप आसानी से पहुँच सकते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आप। अभी मैं आपको बताता हूँ जनाब, ये सेंट्रल लाइन का पूरा रूट ईस्ट से चलती है और वेस्ट में जाती है। अभी हम लोग जनाब टॉटनम कोर्ट रोड स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और अगर आपने इस तरफ जाना है तो ये आपको बताएगी कि कितने मिनट्स में आप कौन से स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने अपोजिट साइड पे जाना है तो आपको प्लेटफॉर्म क्रॉस करके अपोजिट साइड से ट्रेन लेनी है। ये कोई ऑरेंज लाइन नहीं है, ये जनाब
सर्कल लाइन और अभी जो स्टॉप होने वाला है वो लास्ट स्टॉप है, वहाँ पे मैं उतर के और इस अंडरग्राउंड स्टेशन से बाहर चला जाऊँगा। और आई होप कि आप लोगों को ये सारी जो मेरा ब्लॉग है अंडरग्राउंड ट्रेन के बारे में ये पसंद आए। ये मेरे पीछे आप दरवाज़ा देख सकते हैं, अभी खुल जाएगा दरवाज़ा और मैं इस जनाब स्टेशन से बाहर निकल जाऊँ। मिलते हैं आपसे बाहर निकल के। ये लिखा है एग्जिट। फाइनली जनाब अंडरग्राउंड जो ट्रेन है वहाँ से बाहर निकला है। राइट, ओके, सो आई एम आउटसाइड ऑफ द स्टेशन नाउ। दिस इज वेस्टमिंस्टर ब्रिज वेयर आई एम स्टैंडिंग नाउ। अक्रॉस द ब्रिज इज यू कैन सी लंदन आई। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा जो है तो व्लॉग पसंद आया होगा लंदन अंडरग्राउंड की जो ट्रेन है उनके बारे में। और आई होप कि मैंने आप लोगों को जो है तो इनफ इन्फॉर्मेशन दी है, इंटरटेन किया है। आप लोग अपने दोस्तों से शेयर करें ये व्लॉग, वो इसलिए कि फ्यूचर में बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं और यहीं से ही मैं नेक्स्ट व्लॉग शुरू करूंगा। आप लोगों को जो लंदन की डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनकी सैर करवाऊंगा। अभी जनाब वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे हूँ मैं, थोड़ा सा और वीडियोज़ बनाता हूँ और वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें फिर आप लोगों को जो वीडियो अभी मैं बनाऊँगा इसके बाद की वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।